नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। और सबसे पहले बात कर रहे हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए हादसे की। यहां पर एक सवारी बस खाई में गिर गई और इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। हादसा जो है वो मारजुला के पास में हुआ और बस में करीब 40 यात्री सवार थे जब यह हादसा घटित हुआ। SDRF फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि जिला प्रशासन को तेजी के साथ राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही घटनास्थल पर स्थानीय प्रशासन और SDRF की टीमें घायलों को निकालकर उपचार के लिए तेजी से कार्य कर रही हैं। जल्दी से जल्दी लगातार हमारा प्रयास है कि कहीं पर अगर हेली एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो हेली एम्बुलेंस के लिए भी वहाँ पर कह दिया गया है, जो गंभीर रूप से घायल होंगे उसको तत्काल इमरजेंसी में अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा। उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी को आप यहाँ पर सुन रहे थे, उनकी तरफ से भी यहाँ पर सीधे तौर पर निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य और जो लोग गंभीर रूप से घायल है उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। अगर जरूरत पड़ती है तो एम्बुलेंस के साथ साथ हेली एम्बुलेंस की भी व्यवस्था जो है वो तुरंत करवाई जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर जो गंभीर रूप से घायल है उन यात्रियों को एयरलिफ्ट करने के भी निर्देश CM द्वारा यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो बड़ा हादसा आज सुबह सुबह ये घटित हुआ जहां पर यात्रियों से भरी हुई बस खाई में जा गिरी। तस्वीरें भी हादसे की सामने आई हैं। जैसे ही सूचना मिली आसपास के स्थानीय लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और साथ के साथ SDRF NDRF मौके पर पहुंची, पुलिस के जवान जो है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू करवाया गया लेकिन इस बड़े हादसे में अब तक मरने वालों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। सबसे पहले आंकड़ा 10 आया था और फिर उसके बाद अब ये आंकड़ा 25 बताया जा रहा है। जिस वक्त हादसा हुआ इस बस में 40 से ज्यादा यात्री सवार थे और उनमें से 25 लोगों की मौत हो चुकी है, बाकी लोग अब भी घायल हैं।